ये मुझे इस बगीचे में दो छोटे से नन्हे से डॉगी दिखे, बहुत कांप रहे गाइस। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इनके लिए क्या करूं, क्योंकि ठंड भी देखिए, देखो मेरा पूरा हाथ कांप रहा है, इतना ठंड लग रहा है इनको। तो गाइस क्या कर सकते हैं इनके लिए, माँ भी पता नहीं कहाँ है। देखिए गाइस कितने अच्छे हैं, देखिए एकदम नन्हे से। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपका यूके भाई स्वस्थ और मस्त है। तो गाइज आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के दिन ही मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, यानी कि आज पूरा एक महीना हो गया है। तो और आज मेरे सब्सक्राइबर भी मतलब 1K कम्प्लीट होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं बस 60-70 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो होप कि आज ये हो जाए। और गाइस आज जाना था गढ़वाल के लिए मगर बारिश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ऊपर यहाँ से ही कुछ किलोमीटर ऊपर धनगढ़ी है, वहाँ पे बहुत जोर से पानी आ जाता है। अगर कंटिन्यू अगर बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है जिसकी वजह से गाड़ियाँ आने जाने में दिक्कत, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है, वहाँ पर आने जाने में दिक्कत हो जाती है। और तुम्हारे भाई ने तो अभी नई नई ली है और नया नया चलाना सीखा है, तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। तो आज घर पे ही रहते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ शूट करेंगे घर पे ही, कुछ छोटी मोटी चीज़ें। तो गाइज बने रहिए इस ब्लॉग में भी, ये तो नहीं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, मगर हाँ कोशिश करूँगा कि थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करूँ, थोड़ा सा अलग से कुछ करूँ, देखते हैं क्या करते हैं। तो और गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने इतना प्यार दिया और आज मेरा एक महीना कंप्लीट हो गया है मेरे इस चैनल को। और सच में गाइज यकीन नहीं हो रहा, मतलब 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो गाइज ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों ने जो दी है, सीरियसली गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियली मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको क्या कहूँ, मतलब एक सपना जैसा होता है वो मुझे लग रहा है, मगर ये हकीकत है। आज मतलब एक महीना और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, तो गाइज मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइज, सच में। थैंक यू सो मच सभी लोगों के लिए एंड लव यू गाइज। शाम के बज चुके हैं 4 और थोड़ा सा बारिश रुकी है। और ये देखिए गाइज आम का बगीचा, इस बार बहुत सारा फल आया हुआ है इस बार। ये देखिए और इसके ठीक नीचे देखिए मधुपालन, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए अब यहाँ पे कोई है नहीं इनके मालिक, वरना मैं दिखाता आपको कैसे इसका प्रोसेस होता है। ये देखिए काफ़ी अंदर तक, क्योंकि आम मीठे होते हैं तो शायद इसकी वजह से यहाँ पे, और भी कई सारे पेड़ हैं यहाँ पे, लीची वगैरह क्याली भरे ये खेत। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, क्या बात है। और गाइज यहाँ पे ये जो आमों के जो बौर होते हैं, जो फल आने आएंगे, उसकी जो खुशबू है ना, वो अभी से ही आना स्टार्ट हो गई है और मध्यम मध्यम सी खुशबू, बहुत ही शानदार। इस तरफ ट्यूबवेल से पानी छोड़ा जा रहा है, अभी तो खैर खेतों में पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतनी बारिश हो चुकी है। ये देखिए ये अंदर से आ रहा है और उन बगीचों में ये देखिए गाइस ये आम के बगीचे हैं। मुझे इस बगीचे में ये देखो दो नन्हे से क्यूट से बेबी दिखे, देखो ये देखिए, और देखो कितने चुलबुले हैं ये,
और ठंड से भी कांप रहे हैं। पता नहीं कि माँ कहाँ चली गई होगी। देखिए ये आम का बगीचा है और शायद यही इनका घर भी होगा, क्योंकि इस रोड से इस तरफ तो नहीं आ रहे। चलो बाय बाय बाय। ये देखिए वो बड़ी तगड़ी कालाबाजी कर रहा है यार। चलो जाओ टाटा। गाइस ये देखिए बहुत ही शानदार नजारा। हरियाली काफी देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि सारे बाग बगीचे ही हैं। इस तरफ अमरूद के बगीचे, आम के बगीचे, लीची के बगीचे, और ये देखिए कल रात की बारिश ने कितना नुकसान कर दिया है। ये देखिए गेहूँ के खेत बिल्कुल फट हो गए हैं, एकदम प्लेन हो गया है बिल्कुल हिसाब किताब। बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का। ये देखिए बहुत बारिश हुई भाई, बहुत ज़्यादा, तो किसानों की ये फसल नुकसान काफ़ी ज़्यादा। इस तरफ ये इनके बाग बगीचे, ये देखिए गाइस यहाँ पे भैया लोगों ने बकरी भी पाल रखी है, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये चरने नहीं जाती, यहीं घर में रहती हैं? अभी चरा के लेके आ रहे हो? अच्छा, तो चराने यहीं पास में लेके आते होंगे ना? अच्छा 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 बगीचों में, क्योंकि पहाड़ों की बकरियाँ तो ऐसी होती है, पहाड़ों में चरती रहती है ना। अच्छा, जाती हैं जंगलों में जाती हैं। तो भाई लोग कह रहे हैं ये भी जंगलों में जाती हैं। चलिए, तो अभी कितनी बकरी हैं आपके पास? सात आठ। तो गाइस यहाँ भी बकरी काफी पाली हुई हैं भैया ने। तो बढ़ते हैं गाइस आगे की ओर। वो मंदिर है यहाँ का जो बहुत प्रसिद्ध है, कालू सैयद, और काफी पुराना मंदिर है यहाँ का, बहुत ही प्रचलित है। और इस तरफ से आ रहा था मैं अभी, जो पतली लाइन जा रही है यहाँ से, और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी भाई साहब की दुकान पे, और ये भाई साहब है हमारे, यहाँ पे ये आलू की पकौड़ियाँ जो कि बड़ी फेमस है ये देखिए, और ये हमारी भाभी जी हैं, ये बनाती हैं, और इनके हस्बैंड हैं, बिल्कुल मतलब देसी स्टाइल का चूल्हा बना रखा है इन्होंने। और ये देखिए अब ये पकौड़ी मेरे लिए, मैंने इनको बोला तो ये मेरे लिए तैयार हो रही है। तो गाइज बहुत ही टेस्टी और शानदार, एकदम क्रिस्पी टाइप की पकौड़ी बनाते हैं भाई साहब काफ़ी समय से। ये देखिए भाई साहब हमारे। तो गाइस कभी आप भी आइए और आप भी इन पकौड़ी का आनंद लीजिए। ये देखिए आलू की पकौड़ी बहुत ही शानदार क्वालिटी। ये देखिए देखिए बिल्कुल रेडी होके आ चुकी है, और एक धनिया वाली चटनी है हरी कलर की, और एक है मिर्च वाली। तो आपको जिस जिसमें पसंद हो आप खा सकते हैं, मुझे तो दोनों ही पसंद है। तो ट्राई करते हैं कैसा है। गाइस अब मैं ट्राई करता हूँ कैसे बनी है। गाइस धनिया वाली तो बहुत ही शानदार चटनी बन रही है, अब ट्राई करते हैं मिर्च वाली। गाइस मजा आ गया, और जो इसका क्रिस्पी बना है ना, एक नंबर, मतलब बहुत शानदार। आलू की पकौड़ी मुझे इससे बढ़िया मैंने कभी खाई नहीं। देखिए बहुत एकदम देहाती स्टाइल है गांव का, मगर एक नंबर क्वालिटी का। आप अगर आपको भी कभी खाना हो तो आप कालू सैयद में आके, थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है मार्केट में, या मार्केट से अंदर गाँव में, एक नंबर। और शाम को बहुत भीड़ लग जाती है यहाँ पे गाइस। थोड़ी तो खाली है, अब निकल रहा हूँ आगे की ओर। और ये देखिए एकदम कच्चा रास्ता है गांव का,
और स्कूटी भी काफी स्लिप हो रही है क्योंकि कीचड़ में पिछला टायर स्लिप हो जा रहा है, तो काफी ध्यान से चलानी पड़ेगी। ये देखिए गाइस, मगर जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना गाइस, बहुत मतलब प्यारे लोग हैं और मतलब बहुत ही अच्छे। और जहाँ मैं अभी पकौड़ी खा गया है जिन भाभी के, वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, और शाम को अक्सर वहाँ पे पकौड़ी खाने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं गाइस, रास्ता बहुत ही खतरनाक। मौसम देखिए कितना जबरदस्त बन चुका है, और ये आप देख सकते हैं ऊपर, मतलब बहुत ही भयंकर वाली बारिश आने वाली है। और ये देखिए ऊपर पहाड़ गाइस, क्या जबरदस्त लग रहे हैं अभी ये गाइस। मेरा बहुत मन कर रहा है पहाड़ों पे जाने के लिए, मगर क्या करें, बारिश जाने नहीं दे रही। सच में गाइस मैं क्या बताऊं, मैं कितना अंदर से एक्साइटमेंट मेरे अंदर कितनी ज़्यादा हो रही है उन पहाड़ों पे जाने के लिए। और ये देखिए ये गांव का नज़ारा, ये अपनी स्कूटी, मौसम तो गाइस बहुत ही भयंकर होने वाला है। अगर मैं जल्दी से घर नहीं पहुंचा तो ये मुझे रास्ते में ही भिगा देगा, तो मुझे घर भी निकल लेना चाहिए फटाफट। तो गाइस मैं निकलता हूँ अब। गाइस बज चुके हैं शाम के 6 और मौसम भी काफी ज्यादा भयंकर हो चुका है। देखिए आप मेरे पीछे, ये देखिए, और इससे पहले कि बारिश आए तो मुझे घर निकल लेना चाहिए। और गाइज अगर आपको आज का ये ब्लॉग भी पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यूके भाई को ढेर सारा प्यार देते रहें, जिससे कि आपका यूके भाई और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको ला के दिखाता रहेगा। तो गाइज फिर कल किसी नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आज्ञा, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।